गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू इन विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल। आई एम यूसी मिश्रा फ्रॉम ज्वाला देवी गंगापुरी रसूलाबाद प्रयागराज। आई हैव टॉट यू टू मेन पार्ट्स फॉर सिंपल सेंटेंस एंड नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट सिंपल पार्ट फॉर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। जस्ट वी नो what is the role of adverb and what is the role of adverbial phrase. At first we have to know its importance, how it should be gained. Adverbial phrase kya hai aur adverb kya hai. Adverb ko jab normally hum apply karte hain to adjective ke ant mein ly jod dete hain, this is your adverb. For simple sentence when we apply or when we use simple sentence as for an adverb, तो what condition which may be carried for it, कौन सी वो शर्त है जिसके साथ हम इसको allow करते हैं। तो adverb को बनाने के लिए प्राय adjective के अंत में ly जोड़ देते हैं, this is your markable point, adjective plus ly। जैसे आपने कहा slow, slowly, this is your adverb, slow here adjective and slowly here adverb. Next आप ले लें certain, certain is adverb, sorry adjective, but certainly is an adverb, certainly, sure, surely, this is your adverb. तो आप कैसे find out करेंगे, पहले तो ये आपको मार्क करना ही पड़ेगा। एट फर्स्ट वी हैव टू नो हाउ वी कैन ट्रांसफर और हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज अबाउट एडवर्ब, एडवर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या कंडीशंस है। इसकी कंडीशन है ये कि प्राय एडजेक्टिव के अंत में एलवाई जोड़ करके हम एडवर्ब बनाते हैं। जैसे आपने कहा स्लो स्लोली, सर्टेन सर्टेनली, वीक वीकली, श्योर श्योरली, उसी तरह से आप पंक्चुअल पंक्चुअली, तो ये आपका कंडीशन अलाउ होती है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट सेंटेंस में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मार्केबल चीज है। जैसे आपने कहा कि द वाटर ऑफ गंगा फ्लोज, द वाटर ऑफ गंगा फ्लोज, दिस इज योर वन पार्ट। The water, या आप यहां water ना करके इसका complement of it कर सकते हो, it flows slow, this is your separate part of sentence and we have to combine this sentence into adverb or in simple sentence with the help of adverb. तो आप यहां क्या इस किसको add कैसे करेंगे, the water of गंगा फ्लोज स्लोली। मार्क हियर, आपको यहां ध्यान देना होगा, स्लो हियर गिवेन एज एन एडजेक्टिव एंड व्हेन वी ट्रांसफर एज फॉर एडवर्ब वी कैन फॉलो, वी कैन अचीव एज फॉर स्लो, स्लो स्लोली, स्लो इज एन एडजेक्टिव एंड स्लोली इज एन एडवर्ब। तो द वाटर ऑफ गंगा, द गंगा flows slowly. In this way your sentence carries the sense of an adverb. An adverb को कैसे हम apply करेंगे? After adding ly at the end of adjective we form adverb and with the help of adverb we can find out our simple sentences. Simple sentences carries the condition of an adverb. उसको हमें follow करने के लिए क्या करना है? Sentence पर आप ध्यान दें, the water of the Ganga, यहां आप द गंगा कर लें, द वाटर ऑफ द गंगा फ्लोज, इट फ्लोज स्लो, स्लो इज हियर गिवन एज एन एडजेक्टिव एंड व्हेन वी ट्रांसफर फ्रॉम एडजेक्टिव इनटू एडजेक्टिव एडवर्ब वी कैन फॉलो, वी कैन अचीव, वी कैन फाइंड आउट द वाटर ऑफ द गंगा फ्लोज स्लोली, दिस इज योर एडवर्ब। अब माइनूट डिफर बिटवीन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज जो होता है वो ज्यादा फोर्स करता है, हमारे एक्शन को फोर्स करता है।
ये दबाव देता है, कुछ सर्टेन सेंस को क्रिएट करता है, टाइम को लेके फोर्स करेगा या उसके कंडीशन को लेकर के फोर्स करेगा। तो दिस इज योर एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल एडवर्ब सामान्य होता है। एडवर्ब को बनाने के लिए जनरली हम सामान्य नियम को फॉलो करते हैं, बट इन द केस ऑफ एन एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज कैरीज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ योर एक्शन विच मे बी प्लेड और विच मे बी डिनोटेड एज पर योर गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। आपके दिए गए पार्ट को हम फॉलो करते हैं। तो इसमें भी ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। एडवर्बियल फ्रेज में क्या कंडीशन होती है, जैसे आ जाए एट एनी रेट, एनी हाउ, एनी वे, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, दीज टाइप्स ऑफ कंडीशन वी सोर्स फॉर एडवर्बियल फ्रेज। इसमें क्या है, किसी भी कंडीशन को हमें उसे करना है, दैट शुड बी डन सर्टेनली श्योरली विदाउट बीइंग डिले, कोई से इसमें डिले नहीं करना आपको। इसको सर्टेन वेज में बहुत जल्दी आपको वर्क करने होते हैं। जैसे आपने कहा बाय दिस बुक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाय दिस बुक, इस पुस्तक को खरीदो, बाय दिस बुक, देयर शुड बी नो डिले, देयर शुड बी नो डिले, व्हाट इट मीन्स, इस पुस्तक को खरीदो, कोई विलंब नहीं होना चाहिए। तो when we transfer with the help of adverbial phrase to this sentence, बहुत इजी तरीके से आप सीखिए। Normally we have to understand, normally we have to achieve our rule without any stress। इसको find out करने के लिए condition बहुत सरल होती, बहुत इजी होती है। और आप mind करिएगा, life का एक आप फंडा रखिए कि आपके जो questions होते हैं उसी में mostly answers भी छिपे होते हैं। आप देख लें, तो इसको जब आप करेंगे विद द केस ऑफ और विद द हेल्प ऑफ एडवर्बियल फ्रेज, तो बाय दिस बुक, बाय दिस बुक विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। हियर बाय दिस बुक विदाउट एनी डिले, हिंदी में अर्थ क्या हुआ, इस पुस्तक को बिना किसी विलंब के खरीदो, मीन्स इस पुस्तक को खरीदने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। तो आपका एक्शन फोर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी जो कंडीशन है वो अलाउ कर रही है कि दैट शुड बी बॉट और आवर बुक शुड बी बॉट एनी हाउ विदाउट बीइंग इन डिले। तो दिस कंडीशन कैरीज फॉर द सेंस ऑफ आवर एडवर्बियल फ्रेज। एंड नेक्स्ट आप आ जाए, ये आपकी कंडीशन सिंपल सेंटेंस की चल रही है, सिंपल सेंटेंस आपके एंड की तरफ है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन very important, we can say it is very important for our UP board or for our any competitive exams, for our learning English or for our any ways which is essential for our English or our language, this should be gathered here. Use of preposition before noun or gerund, noun or gerund, gerund, mind करना है कि noun क्या है and gerund क्या है। noun carries the sense of abstract noun, here when we have to apply as for use, to we have to apply abstract noun, and what is gerund, gerund also plays an action of noun, gerund भी एक noun का action play करता है, and form it with the help of ing form, इसको हम ing form लगा करके बनाते हैं, and in Hindi na ni ne word is created for gerund. Gerund is an action or which plays an action of an a noun. It is formed with the help of ing by adding ing form of main verb, and in Hindi na ni ne word is created for gerund. And for noun, when we apply as for noun, noun introduces about an abstract noun. Mainly we know that there are five parts of sentences, for five part of noun,
Here we have to only find out an abstract noun and gerund. Gerund just I have suggested you, I have told you, ing form. हम क्रिया में ing form लगा करके gerund बनाते हैं. And after that we can find out what types of condition which may be allowed for use of preposition. When we are declared with the help of our given content, already we are able to understand what our topic we should be gathered here. आपको यहाँ स्वयं समझ लेना होगा. Preposition का प्रयोग करना है किसके पहले? Noun के पहले. Our next word is given before gerund. इसकी क्या condition है? इसमें ढेर सारी conditions आती हैं. तो क्यों ना इसको हम divide करके understand कर लें. When we teach or when we try to understand for simple sentence, there are 8 conditions. Among 8 conditions, this is the most critical content. थोड़ा सा ये बच्चों को understand करने में थोड़ी सी problem feel होती है. आप उसमें बिल्कुल नहीं feel करिए. इसको मैं divide कर दे रहा हूँ, many parts, कई भाग में divide कर दे रहा हूँ. तो इससे आपको easy ways में आप understand कर सकते हैं. After that you may able to understand proper use of preposition before noun or gerund. When we apply as for has, have, had, has, have, had, in the sense of to keep, जब हम has, have का प्रयोग किसी चीज को रखने के कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करेंगे, तो we have to apply here with preposition. Very very important and first your given part of sentence. हमने इसको कई पार्ट में डिवाइड करके and after that I would like to teach you or I would like to understand a given content. इसमें क्या होता है? अगर हमारे सेंटेंस has, have, had दिए हुए, will have, shall have, also may be given, तो we can apply as for with preposition. उस सेंस में हम with preposition लगते हैं. इस पर जरा सा एग्जाम्पल लिया जाए. जैसे आपने कहा कि I am ill. Very easy example. I have high fever. This is our separate part of sentence, and when we want to combine this sentence into simple sentences, what types of conditions we may be allotted here? कौन सी शर्त है जिसको हम allot करेंगे? देखिए, आपको English और अंग्रेजी, sorry English और हिंदी दोनों वर्जन में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी दोनों वर्जन strong हो. Because we know that without speaking, we are like a deaf and dumb. हम गूंगे हो जाते हैं या हम बहरों की तरह हो जाते हैं. Because we are unable to speak. और understand करने के लिए मैं आपको हिंदी में भी टीच कर रहा हूँ. तो दोनों लैंग्वेज का प्रॉपर और भरपूर लाभ लेते हुए इसको अंडरस्टैंड करते चलिए. एंड जहाँ आपको कॉन्टेंट नहीं समझ में आता है, वहाँ आप कमेंट करते हुए या जो कुछ भी इसकी कंडीशन होती है उसको आप हमें शो करते जरूर चलेंगे. I am ill. मैं बीमार हूं. With high fever. Attention करिए. With high fever. Here we can apply as for with preposition. Why? Because मैं बीमार हूं, मुझे उच्च ताप है, मुझे बुखार है, तो मैं बुखार से पीड़ित हूं. I am ill with high fever. With high fever. This is your given content as for जब हम प्रयोग में ये लाते हैं कि उस चीज को हम रखने के सेंस में. जैसे आपने कहा कि I met a boy. He had many books. This is your given content of sentence. तो I met a boy with many books. देखिए, बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हैं. इसका पहला कंटेंट आपको कभी भी अगर कोई भी इस तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट, यू कैन रिस्पांस इजिली. आप बहुत आसान तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इसमें आपको क्या करना है? आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला. ही हैज मेनी बुक्स, उसके पास कई पुस्तकें थी. तो मैं एक लड़के से मिला जिसके पास कई पुस्तकें थी. कई पुस्तकों के साथ एक बच्चे से मैं मिला, एक लड़के से मैं मिला. तो यहां हैड के सेंस में टू कीप है, एंड हियर वी कैन अप्लाई एज फॉर विथ प्रीपोजिशन. तो मेरे ख्याल से आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा. इन योर नेक्स्ट पार्ट, जब आप इसके दूसरे पार्ट में चलेंगे, तो
तो इसमें क्या होता है, जब किसी के बिना कोई कार्य ना हो पाए। आप बड़ा तगड़ा उदाहरण देते हैं, अरे आप नहीं आए होते तो मैं बर्बाद हो गया होता, आप मेरी सहायता नहीं किए होते तो मैं बर्बाद हो गया होता, आप वहां नहीं टाइम से पहुंचे होते तो बड़ा नुकसान हो गया होता। एक कहते नहीं, जिसके बिना कोई काम ना हो सके, जैसे हवा के बिना मेरा काम नहीं हो सकता, प्रकाश के बिना मेरा काम नहीं हो सकता, तो उसी तरह से के बिना, जब कोई काम किसी के बिना ना हो पाए, इजिली वी कैन अप्लाई दिस सेंटेंस थ्रू आवर बिहेवियर आर आवर मैनर आल्सो। इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम इजिली अपने मैनर में भी अप्लाई करते हैं। कैसे इसको आप समझेंगे, जैसे आपने कहा कि आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड, DESTROYED, आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ऐसी वैस में ले लें इसको, आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी, मैं बर्बाद हो गया होता, आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यू डिड नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं किए होते। तो इस सेंटेंस को अगर आप ऐड करें तो आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड, आई हैव बीन डिस्ट्रॉयड विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प। अटेंशन करिए आप सेंटेंस को, बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप बिना किसी समस्या के इसको समझ सकते हैं। विदाउट हियर प्रीपोजिशन, योर हेल्प इज नाउन, तो यूज आप प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जीरेंड। मैंने आपको पहला विद का प्रयोग पढ़ाया और दूसरे क्वेश्चन में मैंने विदाउट का प्रयोग पढ़ाया। इसका सी पार्ट ले लिया जाए फॉर नेक्स्ट पार्ट। देखिए मैं इसको डिवाइड करके बड़े डिटेल में आपको पढ़ा दे रहा हूं, जिससे कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बने। इसमें आप करते हैं जब बेचने और खरीदने, बाई एंड सेल के मामले में जब कोई सेंस बनते हो, बाई एंड सेल, आप कोई चीज खरीदते हो तो उसका कीमत देते हो, कोई चीज बेचते हो तो उसका कीमत लेते हो, तो वही कंडीशन यहां भी अलॉट होती है कि इन द केस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग, विच प्रीपोजिशन इज अलॉटेड फॉर फार। एक मजे की बात आप जान लें, बहुत अंडरस्टैंड करने का मैटर है कि ये फॉर प्रीपोजिशन इज ऑलरेडी गिवन थ्रू पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो आपके वाक्य में स्वयं फॉर प्रीपोजिशन दिया होता है। वी हैव टू अप्लाई इन केस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जब हम कोई चीज खरीदते और बेचते हैं तो उस सेंस में हम फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे आपने कहा कि दे बॉट अ पेन, दे पेड 10 rupees फॉर इट। देखिए मैंने अभी आपको कहा जस्ट आई हैव सजेस्टेड यू, प्रीपोजिशन इज ऑलरेडी गिवन थ्रू गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस, आपके वाक्य में स्वतः वो प्रीपोजिशन दिया होता है, तो आप इसको जब बदलेंगे सिंपल सेंटेंस में ले जाएंगे तो आप क्या प्रयोग करेंगे, दे बॉट, उन्होंने खरीदा अ पेन फॉर 10 rupees, फॉर 10 rupees। अटेंशन करिए सेंटेंस को, फॉर 10 rupees, this is your given part of sentence, in case of selling and buying we have to apply for preposition। ye point ko aap note bhi karenge, understand bhi karna, we have to find out how types of conditions which may be found here or which may be a matter of which should be paid attention for your given part of sentence। diye gaye vakya mein kitni cheez mahatvapurna hai jisko humko dekhna hai, us par attention karna hai, ye sari cheeze hum aap dekhte chalenge। to maine kya bataya aapko, अब तक कितनी चीज बता दी, खरीदने और बेचने के मामले में फॉर, जब किसी के बिना कोई कार्य ना हो पाए तो विदाउट, या किसी के बिना आपका कोई एक्शन प्लेस ना हो पाए तो वी कैन अप्लाई यूज फॉर विदाउट प्रीपोजिशन, एंड इन केस ऑफ पास रखने के अर्थ में हैज हैव हैड सेंस कैरीज फॉर, तो वी शुड अप्लाई एज फॉर विद प्रीपोजिशन। ये तीन कंडीशन मैंने आपको अलॉट करा दी। जब किसी के बजाय हम कोई दूसरा कार्य करें, जैसे आप पढ़ने का मन हो
सॉरी पढ़ने ना जाने का मन हो और आप बाजार चले गए टहलने, या बाजार जाने का मन हो लेकिन उसके बजाय आप घर पर पढ़ने लगे, तो ये मैटर आपका के बजाय, के इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ। जब किसी के अतिरिक्त कोई कार्य होता है तो इन प्लेस ऑफ। दीज आर प्रीपोजिशंस विच मे बी अप्लाइड फॉर नाउन और जीरेंड। प्लेस, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, इतने आपके प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग आप कर सकते हो के बजाय के सेंस में। आप हिंदी में भी लिख सकते हो के बजाय। जब हम के बजाय मीन्स, जैसे आपको दिल्ली जाना और आगरा चले गए, आगरा जाना है दिल्ली चले गए, पढ़ने आना है घूमने चले गए, घूमने जाना है पढ़ने लगे, तो ये आपके क्या हो गए, के बजाय के एक्शन होते हैं। तो इन दिस केस वी शुड यूज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस विच आर वेरी एसेंशियल टू यू। हियर गिवन ऑल्सो इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, हियर ऑफ शुड बी गिवन, एंड बिसाइड्स, इनमें से आप कोई लगा सकते हैं। ये बहुत मजे की बात है। इन ग्रामर पोर्शन जस्ट आई हैव सीन आर आई हैव विजिटेड मेनी टाइम्स, आपके जो टॉपिक होते हैं बहुत इजी होते हैं, केवल आप उसको अंडरस्टैंड करिए। लाइफ में एक और फंडा रखिएगा कि वी शुड डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्सेप्ट। अगर हमारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, उस गिवन टॉपिक के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, तो वी कैन डू वेरी वेल, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनता है तो फिर हमारी प्रॉब्लम जो की तो बनी रहती है। अगर आपने यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड को अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया, तो इसमें आपको ये कंडीशन अलाउ करना होगा, जैसे के बजाय, तो इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड, दीज टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। एक भारी फौज आपकी प्रीपोजिशंस की खड़ी है, एंड इट कैन बी अप्लाइड हियर। आप इनका प्रयोग यहां आसानी से कर सकते हैं। जरा सेंटेंस पर अगर दिया जाए, यह सेंटेंस को लिया जाए, तो आप कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा दे वेंट टू आगरा, दे डिड नॉट, सेंटेंस को इजी तरीके से आप अंडरस्टैंड करेंगे, दे डिड नॉट गो टू दिल्ली, यही आपका सेंटेंस है। ये गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस है और कह देगा कि इसको आप सिंपल सेंटेंस में ऐड करिए। तो कैसे आप ऐड करेंगे? अंडरस्टैंड ये करना है, सेंटेंस का पर्पस समझिए कि दे वेंट टू आगरा, वो आगरा गए, दे डिड नॉट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं गए। इसका मतलब उन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन वो दिल्ली जाने के बजाय कहां चले गए? आगरा चले गए। तो के बजाय, जब हमारे वर्क इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, इनकी कंडीशंस को अलाउ करते हैं, तो वी हैव टू अप्लाई हियर प्रीपोजिशनल केस, एंड दीज टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस में बी अप्लाइड एनीवन, इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे इसको आप तोड़ेंगे, इसको कैसे सेंटेंस को कंबाइंड करेंगे? इसमें आप लेंगे दे वेंट टू आगरा, यहां तक आने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आपने जैसा था सेंटेंस वैसे आपने इसको कॉपीड कर लिया। इंस्टेड ऑफ या इसी में से आप बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ, कोई भी आप उठा लीजिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली, ये आप सेंटेंस देखिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली, हियर गोइंग इज ए जीरेंड। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज जीरेंड। जीरेंड को मैंने बताया था कि ये वर्ब का जो मेन वर्ब होता है उसमें जब हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, जीरेंड बन जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि व्हाट इज हियर गोइंग हियर जीरेंड, किसका कार्य कर रहा है, ये नाउन का कार्य कर रहा है। हिंदी में अर्थ क्या हुआ, दे वेंट टू आगरा, वो आगरा गए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने के बजाय वो कहां गए, आगरा गए, जाने के बजाय। जस्ट आई हैव सजेस्टेड यू इन स्टार्टिंग ऑफ यूजिंग एज पर जीरेंड, नॉन ई ने वर्ड इज क्रिएटेड। यहां हिंदी में क्या अर्थ आता है जीरेंड के, नॉन ई ने भी आता है, तो ये आपका गिवन पार्ट होता है। जब आप इस सेंटेंस को अलाउ कर रहे हैं, दे वेंट टू आगरा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली,
दिल्ली जाने के बजाय वो कहां गए? आगरा गए। तो ये आपका हो गया के बजाय के सेंस में। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट एक और बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी एसेंशियल फॉर योर गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस। आफ्टर हैपनिंग फर्स्ट एक्शन, आफ्टर हैपनिंग फर्स्ट एक्शन, एक एक्शन हैपन होता है एंड नेक्स्ट एक्शन हैपेंस, नेक्स्ट एक्शन हैपेंस, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बहुत सीधी सी बात है, एक एक्शन इसमें घटित हो चुका होता है और उसके बाद हम दूसरे एक्शन को प्ले करते हैं, तो उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन क्या लेते हैं? ऑन, बाय और आफ्टर। माइंड करिएगा, हियर देर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशनल वेज विच कैन बी अप्लाइड, एमंग दिस ओनली वन, इनमें से आप कोई एक यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आई हर्ड अ नॉइस, आई हर्ड अ एच ई ए आर डी, हर्ड अ नॉइस, आई वेंट आउट फ्रॉम माई रूम। देखिए बहुत इजी तरीके से आप इसको माइंड करिए, आई हर्ड ए नॉइस, आई वेंट आउट फ्रॉम माई रूम। इसमें आप क्या कर रहे हैं? एक एक्शन इसका हुआ, एज ए रिजल्ट नेक्स्ट एक्शन प्ले हो रहा है। मैं एक आवाज को सुना और मैं कहां चला गया? मैं कमरे से बाहर आ गया। तो इस कंडीशन में आप यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर, प्रीपोजिशन की कंडीशन को अलॉट करते हुए इन प्रीपोजिशंस में से कोई एक प्रीपोजिशन आप टेकअप करेंगे। तो क्या करेंगे? ऑन, बाय, आफ्टर, थ्री ऑप्शन है, बट इन योर एग्जाम ओनली वी हैव टू अप्लाई वन कंडीशन। ये आपको समझाने के लिए मैं तीनों में से कोई भी लगा दिया, तो आप इनमें से कोई एक लगा देंगे। हियरिंग ए नॉइस, हियरिंग अ नॉइस हिंदी में क्या अर्थ हुआ? आवाज सुनने के बाद, और ना नीने जीरन कैरी करेगा, आई एन जी ऑल्सो कैरी, लेकिन ये वर्क नाउन का कार्य कर रहा है यहां। तो ऑन, आफ्टर, बाई, इनमें से कोई प्रीपोजिशन, हियरिंग ऑन वॉइस, नेक्स्ट पार्ट का आप जैसे का तैसे फोटो कॉपी कर देंगे। आई वेंट आउट फ्रॉम माई रूम, दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। एकदम आप इसको नॉर्मली तरीके से समझिए, इसमें एक एक्शन हैपन हो रहा है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्शन है जो रिजल्ट हैपन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो अलॉट कर रहे हैं सेंटेंस को, उसमें विद द हेल्प ऑफ ऑन, बाय, आफ्टर प्रीपोजिशन शुड बी अप्लाइड। तो अभी मैंने आपको यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन या जीरंड में कितनी शर्त बताई? फर्स्ट शर्त बताई, एक बार हल्का सा जो हम रिपीट कर लेते हैं तो हमारे पढ़े पढ़ाए जो टॉपिक होते हैं वो ताजा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, आफ्टर दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड आवर गिवन कंटेंट। हमारे जो कंटेंट होते हैं उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला मैंने बताया जब पास रखने के अर्थ में हो, पास रखने के अर्थ में नहीं कि जब आप पास रख के चलते हैं साथ में, नहीं, पास मीन्स वो चीज मेरे पास कंटेंट हो, तो उसमें हम विथ प्रीपोजिशन लगाते हैं। नेट कंडीशन में आपको बताई गई जब किसी के बिना कोई कार्य ना हो तो विदाउट प्रीपोजिशन अप्लाई होता है। इसके साथ नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई की गई कि जब खरीदने और बेचने के मामले में, मींस बाय एंड सेल के मैटर में, हम फॉर प्रीपोजिशन अप्लाई करते हैं। फोर्थ कंडीशन में मैंने आपको अलॉट किया कि जब बिसाइड्स इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ का प्रयोग करते हैं जब के बजाय कोई कार्य हो। और नेक्स्ट कंडीशन में मैंने आपको लास्ट में बताया, जिसमें फिफ्थ कंडीशन हुई कि जब किसी कार्य के बाद नेक्स्ट एक्शन हो तो ऑन, बाय और आफ्टर प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड हियर। ये आपकी पांच कंडीशन है पूरे सिंपल सेंटेंस को अलॉट करने में। ये सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, बट जस्ट वी नो दैट
मैं सबसे हार्ड हूं, मीन्स इंसान सबसे ज्यादा हार्ड होता है, उसके टॉपिक कभी भी हार्ड नहीं हो सकते। अगर हम लोग इसको इजी तरीके से तोड़ तोड़ करके नॉर्मली अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप इस पर एक्सरसाइज करें, और अगर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम की फील होती है तो उसे आप तुरंत बताएं, एंड वी वुड लाइक टू सॉल्व टुगेदर। हम लोग मिल करके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसका लास्ट कॉन्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक आपका ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन उसकी दृष्टि को देखते हुए। इसमें आता है यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जब हम सिंपल का कंटेंट ऐड करते हैं तो जो हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं उसी में एडजेक्टिव गिवन होती है। होता क्या, हम खोजने लगते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा लगाए। नो नीड ऑफ टू फाइंड आउट। इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर क्वेश्चन प्रॉपरली तो वी कैन सॉल्व आवर आंसर इजिली, उस आंसर को हम इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें कैसे होता है, एडजेक्टिव क्या है आप जानते ही हैं कि इट इंडिकेट्स फॉर मेरिट और डिमेरिट ऑफ एनी नाउन और ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। ये आप बहुत इजी तरीके से जानते होंगे, लेकिन आपका जब सिंपल में ऐड करना होता है, जैसे आपने कहा कि आई सॉ अ लायन, इट वॉज एलो, एकदम सिंपल सेंटेंस आप उठाइए। मैंने एक शेर को देखा, वो येलो था, उसका कलर कैसा था, येलो था। तो अब माइंड है करिए कि इसमें आई भी आपका एडजेक्टिव नहीं है, सा भी एडजेक्टिव नहीं है, अ भी एडजेक्टिव नहीं है, लायन भी एडजेक्टिव नहीं है, इट भी एडजेक्टिव नहीं है, वाज भी एडजेक्टिव नहीं है। और मैंने कहा कि वो एडजेक्टिव ऑलरेडी आपके पार्ट ऑफ सेंटेंस में गिवन होगा, दैट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज ऑलरेडी गिवन थ्रू योर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, हाउ इट कैन बी फाउंड, हाउ इट कैन बी सॉल्व। हियर येलो इज एन एडजेक्टिव, ये येलो आपका एडजेक्टिव है, और मैंने आपको एक चीज बताया था कि वो ऑलरेडी सेंटेंस में गिवन होता है, हमको आपको केवल ऐड करने की जरूरत होती है। तो जब आप इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आई सॉ अ लायन, सॉरी आई सॉ अ येलो लायन, मैं कैसे लायन को देखा, जो येलो था, पीला था, उसका कलर येलो था, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे आप सेंटेंस एक और ले लीजिए जो एडजेक्टिव के लिए बहुत एसेंशियल होता है और एडजेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे आपने कहा कि दे किल्ड हॉर्स, इट वॉज स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी। अब यहां ध्यान दें आप, दे नॉट एडजेक्टिव, किल इज ऑल्सो नॉट एडजेक्टिव, अ हॉर्स इज ऑल्सो नॉट एडजेक्टिव, इट ऑल्सो नॉट एडजेक्टिव, वॉज ऑल्सो नॉट। मैंने एक आइडिया आपको दे दी, वो आइडिया काटते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड या कैन नॉट बी, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसे गिवन होगा ऑलरेडी, वो सेंटेंस में आपके गिवन होगा, केवल हमको फाइंड आउट करना है। तो इसे जब आप जोड़ेंगे तो दे किल्ड अ स्ट्रॉन्ग एन एडजेक्टिव, यही आपका एडजेक्टिव है, यही एडजेक्टिव के मार्क को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो दे किल्ड अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स, एच ओ आर एस ई। तो ये आपके पार्ट सिंपल के पूरे हो गए, एंड हो गए, एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू टीच यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। आई हैव टॉट यू 8 पार्ट्स, एंड अमंग देम इफ एनी प्रॉब्लम यू फील यू कैन प्रोवाइड इट through your comment box. I would like to solve it. Together we have tried to find out at a easy ways. Thanks.